नाम क्या भाव साहब आपका? बिंदु नाइक। नादेड़ में आए हम, मराठवाड़ा का काफ़ी अहम इलाका है, ये आपका शहर है। क्या लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है इस बार महाराष्ट्र में? इस बार महाराष्ट्र में सरकार तो बीजेपी की है, बीजेपी की, महायुति। बीजेपी और महायुति की सरकार क्यों आनी चाहिए? महायुति की सरकार इसलिए आना चाहिए कि आज तक जो भी काम किया उन्होंने देश के हित में किया है, समाज के हित में किया है। आप लोग तो उसके लिए कुछ भी कहे होंगे, मगर वो जो भी करते हैं वो देश के हित में करते हैं। आज तक वो आघाड़ी की जो सरकार थी पहले 2.5 साल, तो उसमें जो सीएम था उद्धव जी ठाकरे, वो घर पर बैठे रहे, घर से कार्यक्रम करते रहे। तो आप मुझे बोलो, जनता ने जब उनको चुन के दिया कि भाई सीएम हमारे महाराष्ट्र के, तो घर से कोई काम तो नहीं चलना चाहिए, वो जनता में आना चाहिए, रोड पे आना चाहिए। उस समय हमने देखा कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे वो सड़कों पे चल लेते, योगी आदित्यनाथ जी खुद बसों से लेके आ रहे थे, दूर दूर उन्होंने बसें भेजी थी अपने लोगों के लिए। उद्धव ठाकरे ने क्या किया उस समय? कुछ भी नहीं किया। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र को बर्बाद करके रख दिया। अच्छा। ऐसा बर्बाद किया कि 2.5 साल तक ने क्या कुछ नहीं की कर पाया। और वो 2.5 साल का है जो हमने आज तक 10 साल पीछे गए हम। अच्छा। अगर वो 2.5 साल हमारे बीजेपी के हाथ में होते हैं समझो, तो आज ये महाराष्ट्र और भी आगे होता। लेकिन मिला तो जो पिछली बार जो बहुमत था वो बीजेपी और शिवसेना को मिला था, तो उद्धव ठाकरे जी इधर क्यों आ गए? शिवसेना और बीजेपी को मिला था बराबर, मगर उन्होंने शिवसेना से गद्दारी की सीएम की कुर्सी के लिए। अगर उन्हें सीएम बनना ही था तो फिर उन्होंने युति के साथ नहीं लड़ना चाहिए था, अकेला लड़ना चाहिए था, और उसके बाद में नहीं क्या उन्हें सीएम बनना चाहिए था। जनता का जो जनादेश था युति के लिए था, ठाकरे के लिए नहीं था। मगर ठाकरे ने क्या किया कि जनता का नहीं क्या पूरा जनादेश का अपमान किया, अनादर किया, और जाके नहीं क्या कांग्रेस से मिल गया। उनके पिताजी ने क्या कहा था कि मैं जब तक रहूँगा तब तक कांग्रेस से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, अगर कांग्रेस में जिस दिन मैं विलीन हो जाऊंगा उस दिन मैं पार्टी बंद कर दूंगा, पार्टी का मेरा बिजनेस है, मैं धंधा बंद कर दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। फिर उसके बेटे ने अपनी पार्टी को नहीं क्या ले जाके किसके कदमों में रख दिया, कांग्रेस के कदमों में रख दिया। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। वो बयान दे रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड का बिल आ रहा है, मैं वक्फ बोर्ड की एक भी जमीन को खिसकने नहीं दूंगा, एक ईंट भी नहीं हिलाने दूंगा, ऐसा उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं कि उसकी पार्टी बचाना है? अब पार्टी तो रही ही नहीं, जब पार्टी का जो सिंबल है वो भी एकनाथ जी के पास गया, अब उसकी जो शिवसेना है वो भी एकनाथ जी के पास गया, अब इसके पास रहा क्या? अब इसलिए समाज को गुमराह करने के लिए आप कैसे बात कर रहे हैं कि भाई ये यानी कि अपने मुस्लिम समाज को आप अपने हाथ में पकड़ना चाहिए। अच्छा। मुस्लिम के बड़े कट्टर आदमी थे ये, फिर आप मुस्लिम के झोले में जाके बैठने का मतलब क्या है कि अपनी पार्टी बचाना है? ये लोग देश के हित के लिए काम नहीं करते, पार्टी का अपना अपना एजेंडा बनाते और खुद की दुकानदारी चलाते, ये दुकानदारी बंद। ठाकरे हुआ करते थे वो तो हिंदू हृदय सम्राट थे, और अब उनके बेटे क्या कर रहे हैं? वो हिंदू सम्राट नहीं है, आप वो नहीं क्या अपनी पार्टी का सम्राट बनने की कोशिश कर रहे, वो भी पार्टी खींच सक गई। आप कुछ भी नहीं है, आप वो क्या है जीरो में से है, फिर भी नहीं क्या आप लोगों के सामने तो बता नहीं सकते ना छाती ठोके कि मैं हिंदू सम्राट का बेटा हूँ, इसीलिए आप इधर से उधर उधर से इधर ऐसा कर रहे हैं। आप मुझे बताओ कि जिस पार्टी के साथ में उन्होंने 32 साल अलायंस किया उससे धोखा देना बराबर है? तो ये समाज को क्या धोखा नहीं दे रहे तो क्या है? ये समाज के साथ तो कभी धोखा दे सकते ना, जिन्होंने समझो उनको पढ़ना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, उन्होंने सब कुछ पढ़ाया लिखाया और इतना बड़ा बनाया, बढ़ाने के बाद में क्या किया इन्होंने? देश हित में कुछ काम किया? जब 370 हटाया गया तो उसके विरुद्ध में बात कर रहे हैं। जब समझो हाँ हमारे यहाँ तो राम मंदिर का जो मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दे के लिए उनको पिताजी ने क्या क्या नहीं किया, और अकेले शेर की तरह ने क्या दाड़ दिया और हम मंदिर बना के रहेंगे। अगर आज वो होते बाला साहब ठाकरे तो आज तो वो ये देश के नहीं क्या हीरो होते, मगर क्या है ऊपर वालों ने उनको नहीं रखा। तो अब उसके बेटे ने उसकी विरासत संभालना चाहिए कि नहीं? वो विरासत कौन सी संभाल रहे हैं? पार्टी बचा रहे सिर्फ। ये बताइए जैसे मराठवाड़ा में हम, यहाँ अहम मुद्दा ये है कि असली शिवसेना कौन है, आपको क्या लगता है कौन सा धड़ा असली शिवसेना है? असली शिवसेना है जो एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं, आज तक का जो उन्होंने परिश्रम किया है, एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप से निकलकर आज मुख्यमंत्री पद तक गया है, वही शिवसेना है। ऑटो चला चला, अरे ऑटो चलाने वाला अब मोदी, अब हमारा पीएम चाय बेचने वाला है, मगर देश हित है ना, समाज हित है ना। अगर वो भी समझो ऑटो चलाता तो क्या हुआ, सीएम बना, देश हित के लिए बना, महाराष्ट्र के हित के लिए बना, और वो इतना अच्छा आदमी है कि
कि वैसा नहीं क्या है आपने जो उद्धव ठाकरे है कुछ भी नहीं है उसके साथ। अब जो संजय राउत तमाम देश भर में छाए रहते हैं उनका क्या है आपके मराठवाड़ा में योगदान, क्या बताना। अरे भाई संजय राउत जी जो है ये एक चापलूसी करने वाला आदमी है, उसका कोई कुछ भी नहीं चलता, कहीं नहीं चलता, मगर उनको नहीं क्या सामना जो पेपर है ना उसका संपादक बनाने की वजह से जरा छा गया। आप छाने के बाद में उन्होंने उसका फायदा उठाते हुए आप ऐसा कर रहे हैं। मुझे बोलो भाई जिसको खुद का पता नहीं है कि आप उन क्या है तो वो दुनिया क्या चला सकते हैं, मगर आप उनके हाथ पर उनके सर पे हाथ रख दिए बाड़ा साहब ठाकरे ने, इसलिए बड़ा बन गया। मगर आज बाड़ा साहब ठाकरे की कोई नीति नहीं चल रही है, अब उनकी नीति क्या है बताओ, हिंदू सम्राट के है नीति क्या थी बताओ, वो एक बार बोल दिया दोबारा उससे है समझौता कभी जिंदगी में नहीं किया, इसीलिए लोग उसको बाड़ा साहब को हिंदू सम्राट बोलते। क्यों बोलते कि आज का अगर समझो वो यहाँ जिंदा होते तो इस देश के प्रधानमंत्री के लायक की होती है, मगर आज वो नहीं है। आप ये क्या कर रहे हैं, अपने धंधा अपना बिजनेस अपना दुकानदारी चलाने के लिए आप इसका उधर उठा। अगर वो अपना शरद जी पवार है उनसे कनेक्शन करने का काम किसने किया, संजय राउत ने किया ना। अगर संजय राउत ये फील्डिंग नहीं लगाते तो काश महायुति की सरकार होती, आज भी बड़ा हम ठाकरे का सपना पूरा होता। मराठवाड़ा इस बार ये फेमस चल रहा है कि जो मराठी आरक्षण का आंदोलन चला था आपके यहाँ जारंगा साहब का, उनका क्या है यहाँ पर मराठवाड़ा में? आरक्षण तो आरक्षण की बात ऐसी है कि मराठों को आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। आप मराठा हम मराठा है ऐसा कहने वाले आप आरक्षण मांग रहे हैं, ये कितनी बुरी बात है। आरक्षण तो जो जितना उसका टारगेट है 50% का टारगेट है उसमें अगर ये बैठ नहीं सकते, अगर बैठने नहीं तो OBC के ऊपर में क्या अन्याय किया जा रहा है, तो ये उनको आरक्षण मांगने की क्या जरूरत है। अब तो उन्होंने पार्टी बना ली जारंगा साहब ने। हाँ आप वो धंधा है बिजनेस है उनका। आप देखो आंदोलन किया, आंदोलन किसके लिए किया, आरक्षण के लिए किया, और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मराठा को आरक्षण देना चाहिए, फिर भी हमारा महाराष्ट्र सरकार ने उनको आश्वासन दिया कि भाई हम जो भी जो समझो आर्थिक बाजू में कमकुवत लोग हैं उनके लिए नहीं क्या हम आरक्षण देंगे, मगर आप इन्होंने क्या किया है उसका धंधा करके पार्टी बनाए, पार्टी बना के अभी नहीं क्या उनके विरुद्ध में लड़ेंगे, और फिर नहीं क्या खुद पार्टी बन जाने के बाद में ना आरक्षण रहेगा ना कोई मुद्दा रहेगा, फिर अपना अपन बिजनेस चलाएंगे अपना अपन दुकान चलेंगे, ऐसे लोग हैं ये। तो यहाँ केजरीवाल भी आ रहे हैं दिल्ली से, कुछ होगा उनका यहाँ महाराष्ट्र में? यहाँ भी दारू का धंधा शुरू करने आ रही है, अभी तो अंदर जाके बाहर आए वाले हैं ना जी। अब यहाँ आने के बाद में कौन सी बिजनेस है, दारू का फैक्ट्री चलाने वाले हैं महाराष्ट्र में? एक के साथ एक फ्री वही तो एक के ऊपर एक फ्री ऐसा बिजनेस करने वाले हैं, और उन्होंने फ्री की राजनीति करके है देश को बर्बाद कर दिया, और उनका अनुकरण हर पार्टी कर रही है। आप मुझे बताओ सब हम फ्री में बांटते रहेंगे ये देश के लिए, सब फ्री में बांटते रहेंगे देश का क्या होगा, सोचो ना। तुम हम जो है आम आदमी है हम जब फ्री में बांटते रहेंगे कोई हमारे खुद के लिए तो आप ये देश के लिए क्या होगा, देश की आम जनता के लिए क्या होगा, ये तो बहुत बड़ी बुराई बात है ना। इतने नेता हैं जो लाखों लाखों रुपए की पेंशन लेते हैं, ऊपर से हर प्रोजेक्ट पे अपना अलग से वसूलते रहते हैं, वो कभी फ्री में काम नहीं करते, वो फ्री में कैसे काम करें यार भाई, उनको तो नहीं क्या उनका पेंशन मिलना जरूरी है, उनका नहीं क्या जो और वो बढ़ना चाहिए, और वहाँ तो वो ही है ना, यहाँ के जनता का तो वहाँ वोट नहीं चलता, संसद में वोट किसका चलता है, उन्हीं लोगों का चलता है, और उन्होंने उनके लिए बहुत बड़ी सावधानी से उनका कार्यक्रम करके रखा। मगर आम जनता ने इतनी बात बताई हमें, तो मराठी जो मानुस हैं हमारे उनको क्या अपील करेंगे आप? नहीं मराठी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई देखो महाराष्ट्र हो या कोई हिंदी भाषी को या महाराष्ट्र भाषी को देश हित के कार्य करना चाहिए, देश के समर्पित काम करना चाहिए, तो वो काम नहीं क्या फिर हम बॉर्डर पे जाके है सैनिक बन के लड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी रहो कैसा भी रहो देश की में काम करो, हम किस जन्मभूमि में जन्म लेके आए वो जन्मभूमि का अपने ऊपर जो कर्ज है वो उतारना चाहिए हर आदमी को। शिवाजी की नगरी है, शिवाजी महाराज की नगरी है महाराष्ट्र, ये शिवाजी महाराज के नाम से पहचाना जाता है, तो फिर उनका मराठा लोग नहीं क्या वैसे ही काम करना चाहिए, बहादुरी का अब आरक्षण मांग रहे हैं, छोटा सा काम कर रहे हैं, देश को नहीं क्या तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप पार्टी बना रहे हैं, ये ऐसे हजारों पार्टी बनी है अब तक, कौन सी पार्टी ने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये सब खुद की दुकानदारी है, ये दुकानदारी बंद होना चाहिए।